हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। मिजान जाफरी और शारमिन सेगल की फिल्म आज थिएटर्स पर रिलीज हो गई है। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के जरिए मिजान और शारमिन ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया है। बता दें कि मिजान बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी के बेटे हैं, तो वहीं शारमिन डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की भांजी है। फिल्म को लेकर काफी दिनों से बज़ देखने को मिल रहा था। फिल्म का ट्रेलर और इसके गाने पहले ही लोगों का दिल छू चुके हैं। अगर आप भी मंगेश हड़ावले के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को देखने का सोच रहे हैं, तो पहले ये जान लें कि ये फिल्म आपके देखने के लायक है भी या नहीं। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। फिल्म में मिजान ने शिवा नाम के एक लड़के का रोल निभाया है, तो वहीं फिल्म में शारमिन आस्था नाम की लड़की के रोल में है। दोनों के बीच एक लव स्टोरी दिखाई गई है, जो कि मुंबई के चौल में रहते हैं। दोनों के बीच प्यार हो जाता है, लेकिन क्या उनके रोमांस के खिलने और जीवित रहने की कोई गुंजाइश है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ठीक ठाक रिव्यूज मिले हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म की कहानी बेहद ही शानदार है। जिस तरह से डायरेक्टर मंगेश हड़ावले ने इन दोनों की जोड़ी को दिखाया है, वो काफी अच्छा है। मिजान और शारमिन को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये उनकी पहली फिल्म है। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म गीली पड़ जाती है और थोड़ी बोर करने लगती है। फिल्म का बैकग्राउंड भी अच्छा है। बात करें स्टार्स की एक्टिंग की, तो फिल्म में मिजान ने बेहद ही शानदार काम किया है। वहीं शारमिन भी फिल्म में दमदार नजर आई है। इतना ही नहीं, क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि फिल्म में मिजान और शारमिन की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है। अब बात करें फिल्म के म्यूजिक की, तो फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आपको लव स्टोरी पर बेस्ड फिल्में देखना पसंद है, तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3 स्टार्स दिए हैं।